दोस्तों। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मत्स्य पालन विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी। सर, सबसे पहला सवाल, 100 दिनों की जो कार्य योजना आपसे मांगी गई है, तो मत्स्य पालन विभाग में किस तरह की कार्य योजना बना रहे हैं जिससे किसानों को? मैं तो बधाई दूंगा, जिस समाज के लिए संघर्ष कर रहा था उसकी सेवा पर ये मत्स्य पालन एक ऐसा पालन से तीन फायदे हैं, एक तो रोजगार के साधन है, दूसरे प्रोटीन खाद्यान्न की उपलब्धता है, तीसरा जो है राजस्व की वृद्धि है और उसे दुरुस्त किया जाएगा। इसमें 100 दिन की, दो छः महीने की, एक साल, डेढ़ साल, सबके अलग अलग 5 साल की पूरी कार्य योजना बनी। पहला स्टेप है 100 दिन के अंदर हमें उसे करना। 100 दिन के अंदर पहले नदियों में हमें फिंगर लिंक्स की, मतलब 1-9 सेंटीमीटर की मछलियाँ जो है उसी मछली के बॉर्डर से तैयार की हुई, उससे समुदाय से उसी नदी में डाला जाएगा जिससे उन्हें कोई नेचर में अंतर न आए। और ऐसे हमें जो है लगभग 5 लाख के आसपास आए। दूसरा, हम 750 नए हेक्टेयर तालाब बनाएंगे रोजगार के नया सीजन की, मिट्टी और पानी का जाँच भी कराएंगे। और पहले छोटे बच्चे जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं हेचरी से, तो मॉर्टेलिटी रेट 50 से ऊपर था, तो अभी हम लोगों को उसे नर्सरी तैयार करेंगे कि छोटे बच्चे को बड़ा करके नर्सरी में बड़ा करके फिर हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, इसे मॉर्टेलिटी रेट घटेगी, उत्पादकता बढ़ेगी। ये पहला स्टेप है। और दूसरा, अभी इन लोगों को ट्रेनिंग वगैरह कराया जाएगा ढेर सारे, और तमाम योजनाबद्ध तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। मंत्री जी, दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भाजपा सरकार का पुराना नारा है कि किसानों की आय बढ़ानी है, तो उसमें आपका विभाग किस तरीके से योगदान है? पुराने टेक्नोलॉजी को जो परंपरागत पेशे हैं उसे हाईटेक किया जाएगा, उन्हें ट्रेंड किया जाएगा, एक्सपर्ट रखे जाएंगे हर एक इलाकों पर, एक मास्टर ट्रेनर रखे जाएंगे, पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाने की व्यवस्था की जाएगी, उन्हें बढ़ावा देने के लिए टूर प्रोग्राम बनेंगे, एक्सपीरियंस दिया जाएगा, उन्हें मोटिवेशन रखा जाएगा, उनके माल है जो उत्पादन है उसे सही समुचित बाजार हो सकते तो हाट बनाए जाएंगे, फिश पार्लर हैं, फिश पॉइंट हैं, ये सारी व्यवस्था दी जाएगी और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाएगा और इस प्रदेश जो है एक नंबर पर लाकर इस प्रदेश के लोग मछली खाएंगे, दूसरे प्रदेश को बिक जाएगा। अंतिम सवाल यह है कि चुनाव के पहले निषाद आरक्षण की काफ़ी जोड़ उठी थी, मांग उठी थी, उसमें किस तरीके से आगे की क्या कार्य योजना? देखिए, मैं उनका वकील मैं हूँ, मैं प्रमाणिक दस्तावेज इकट्ठा किया तो सड़क पर था, बधाई मोदी जी को निषाद, योगी आदित्यनाथ अपने समाज और